क्वालिटी का भरोसा चाहिए तो प्रमोद ज्वेलर्स आइए, जो लेकर आए हैं शगुन कलेक्शन का एक खूबसूरत तोहफा। हर 30,000 रुपए की खरीद पर पाइए एक लकी ड्रॉ कूपन। लकी ड्रॉ योजना में वेस्पा जीतने का सुनहरा मौका और भी कई सारे आकर्षक इनाम। जल्दी करें। प्रमोद ज्वेलर्स, पारधी नगर, हिंगणा रोड, नागपुर, TNC अप्लाई। आज 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती। इस उपलक्ष्य में लाखों बुद्ध अनुयायी दीक्षा भूमि पर आते हैं और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को याद करते हैं। आज NBCN की टीम ने दीक्षा भूमि पर इन्हीं लोगों से बात की है, देखते हैं क्या है उनका कहना। आज 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी जयंती है, उस उपलक्ष्य में हम दीक्षा भूमि आए हैं जहां लोगों से बात करेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं आज वो। आज दीक्षा भूमि है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज बाबा साहब, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जन्मदिन है और इस दिन में हमें यहाँ आके श्रद्धा प्रकट करने में बहुत अच्छा लगता है। नहीं आए तो कैसे तो भी लगता है, यानी हम बचपन से ही हमेशा आ रहा है, हर साल आ रहे हैं और मॉर्निंग में आते हैं तो और प्रसन्न लगता है। तो बाबा साहब का योगदान यानी विश्व में, पूरा विश्व में है और हमारे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दिन। बाबा साहब ने संविधान रचिता है, वो क्या कहना चाहेंगे आप? उनके कार्य बहुत बड़ा है, उन्होंने एक मार्ग दिखाया, आपको क्या कहेंगे? त्यांचं मार्गदर्शन खूप मोठा है, त्यांनी खूप जीवनात संघर्ष करून लोकांना आधी म्हणजे आम्हाला म्हणजे समोर आणलं आहे आणि त्यांचं ते संघर्षपूर्ण जीवन आम्ही कधी विसरणार नहीं, आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत। आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही है वैसे, उनका आचरण करना चाहिए, जो मार्ग दिखाया उससे चलने में खुद का प्रगति होगा। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा कार्य किया है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? सिर्फ एक समाज की महिलाएं नहीं बल्कि पूरी महिलाओं के लिए काम किया है, क्या कहेंगे उस बारे? सभी महिलाओं के लिए उन्होंने एक जैसे ही काम किया है और उनको आगे बढ़ाने के लिए मतलब बहुत प्रयत्न किया है। सभी समाज की महिलाओं के लिए बाबा साहब का कार्य है, आप उसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? महिलाओं में यानी पुरुष और महिलाओं में भेद नहीं किया है और भेद है ही नहीं बुद्धिज्म में, पहले भी नहीं था, जब बौद्ध धर्म 12 BC तक था तब भी यानी वुमन्स में और मेल में कोई फर्क नहीं रहता था, तो वैसा ही उन्होंने बुद्धिज्म में देखा है और वैसा ही उनको इसीलिए उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया है। बाकी धर्म में सारा डिस्क्रिमिनेशन है मेल फीमेल में, बट बुद्धिज्म में ऐसा कोई नहीं है, ऑल वुमेन्स एंड मेन आर इक्वल। हमारे साथ समता सैनिक दल के कुछ स्वयंसेवक हैं जिनसे हम बात करेंगे। मुझे बताइए, बाबा साहब का बड़ा कार्य है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी भारतवासियों को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की 133वीं जयंती के निमित्त सभी भारतवासियों को मैं हार्दिक मंगल कामनाएं चिंतिता हूँ। और जिस तरीके से हिंदू कोड बिल या बाबा साहब का जो महिलाओं के प्रति जो कार्य रहा है वो असीम कार्य रहा है, जिस समय हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने संसद में पेश किया था उसका काफ़ी विरोध हुआ और विरोध होने के बाद में इसी वो बार बार उस बिल को रखते जाते थे लेकिन उसका विरोध होते जाता था, उसी कारण से बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री जो थे तो उसका इस्तीफा देने का मुख्य कारण प्रमुखता से ये रहा है। और बाबा साहब ये कहते हैं कि किसी भी समाज के जो महिलाएं हैं उनका प्रगति कितना हुआ है, वो कितनी शिक्षित हुई है, इसी के ऊपर से उस समाज की वो समाज के प्रगति का वो आकलन किया करते थे। बाबा साहब अगर इस धरती पे अगर पैदा ना होते तो ये स्वतंत्र समता और बंधुत्व का जो तत्व है वो इस भारत को कभी भी नहीं मिल पाता था। और आज के इस 133वीं जयंती पे हम उन्हें कोटि कोटि नमन भी करते हैं और आज की परिस्थिति को भी देखते हैं कि बाबा साहब अगर इस परिस्थिति का अगर आकलन करते तो किस तरीके से सोचते, उसी तरीके से समता सैनिक दल निरंतर कार्य करते जा रहा है, स्वतंत्र समता बंधुत्व और न्याय इस तत्व को लेकर पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, यही आशा के साथ हम लोग निरंतर मुख्यालय दीक्षा भूमि के माध्यम से काम करते हैं।
हमारे साथ आज एक ऐसी महिला है, जब बाबा साहेब ने नागपुर में दीक्षा दी थी हजारों लोग लाखों लोगों को, तब वह उपस्थित थी। आज तुमसे नाव सांगा? सुशीला वाघमारे। तुम्ही जेव्हा बाबासाहेबांनी दीक्षा दिली होती नागपूर मध्ये तेव्हा लाखों लोक होते, तेव्हा तुम्ही पण होत्या? कसं माहोल होता, काय होतं तेव्हा, किती लोक उपस्थित होते, बाबासाहेब तेव्हा काय म्हणाले? बरेच लोक होते, बरेच लोक। काय म्हणाले होते बाबासाहेब? बाबासाहेब म्हणे मी दीक्षा देतो म्हणे, पर मला म्हणे आपल्या पब्लिकाचा आपल्याला काही पाहून होत नाही म्हणे, मी दीक्षा घेतो भगवान बुद्धाची म्हणे, तुम्हाला मग दीक्षा देतो तर हात वर करा म्हणे। अच्छा, मग बाबा आपल्या लोकांनी मग हात वर केला ना, मग बाबासाहेबांना आपल्याला दीक्षा दिला। कशी स्थिती होती तुमची त्यावेळेसची, पूर्ण समाजाची कशी स्थिती होती, काय होत होतं आणि आता कसं काय स्थिती आहे, काय करायला लागत होतं तुम्हाला जगण्यासाठी, किती अडचणी येत होत्या? नाही अडचणी म्हणजे आपल्या लोकांना अडचणच होती ना पूर्ण, म्हणून सांगा बाबासाहेबांनी दीक्षा दिलं, अडचणच होती। आप क्या बताना चाहेंगे? तब की स्थिति तो बहुत खराब थी, ऐसी बता रही थी मेरी मम्मी, हम लोगों को स्कूल जाने की मुभा भी नहीं थी, बोले अभी रास्ते में जाते थे तो वो अपने को हाथ छुआ छूत करने में डरते थे बोले, तो बहुत खराब परिस्थिति बोले उस टाइम की, अभी तो बहुत अच्छा है बोले, वो बाबा साहब ने सब कुछ किया अपने ही लिए किया, ऐसी बोल रही थी हमारी मम्मा। आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मी भीम जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। पहिले म्हणजे खूप वाईट परिस्थिती होती, तेव्हा तर माझा जन्मही नव्हता झाला त्यावेळेस, म्हणजे आई वडील सांगायचे आणि माझे वडील म्हणजे आधी म्हणजे हिंदू धर्मात होते, नंतर मग ज्या वेळेस बाबासाहेबांनी दीक्षा दिली त्यावेळेपासून माझ्या वडिलांनी पूर्ण देवधर्म फेकून दिले आणि बौद्ध धर्माचीच दीक्षा घेतली, त्यानंतर कधीही आम्ही म्हणजे असं हिंदू धर्म पाहिलाच नाही आम्ही, तेव्हापासून माझ्या वडिलांच्या याच्यापासून आम्ही बौद्ध धर्मातच आहोत आणि आता सगळं काही शिक्षण पाणी आपल्या मुलाबाळांना सर्व काही मुभा आहे शिक्षणाची सर्व गोष्टीची, म्हणजे आधीपेक्षा आता, आधीचा काळ तर आम्ही बघितला नाही पण आता बघितला, आता या दोन पिढ्या तर चांगल्या गेल्या पण नंतरची परिस्थिती काय येणार आहे हे आता आपल्याला दिसतच आहे। का बरं तुम्हाला असं वाटते नंतरची परिस्थिती बिघडणार? कारण की आता हे जे बीजेपी सरकार आहे ते त्यांनी म्हणजे संविधानापर्यंत त्यांचा हात पोहोचलेला आहे आणि जर संविधानच नाही राहिलं तर मग आपलं म्हणजे जे अस्पृश्य समाज होता आधी त्यांची स्थिती जशी पहिले होती तशीच येण्याची शक्यता आहे। संविधान की बात की जा रही है, अभी फिलहाल चुनाव का मौसम है, ऐसे में संविधान को लेकर बहुत से सवाल है, आप एक इस धर्म से बिलोंग लगते हैं, इस कास्ट से बिलोंग लगते हैं, क्या कहेंगे संविधान को खतरा है या नहीं, क्या स्थिति है? निश्चित रूप से जिस माहौल में अभी का जो माहौल चल रहा है पूरे भारत में अराजकता फैली हुई है और संवैधानिक तौर पर जो काम संविधान के माध्यम से होना चाहिए वो संविधान के माध्यम से ये सरकार उस पर खरी नहीं उतर पा रही है। इवन आप अभी देखेंगे कि हमने ईवीएम के विरोध में भी, इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के माध्यम से भी हमने अभी कैंपेन चला के रखा हुआ है, जिसमें हमारी ये मांग है कि ईवीएम के माध्यम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ये पूरे भारत में ये पूरी उठ रही है बात, तो उसी के माध्यम से हम लोग ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इस भारत में इलेक्शन हो और हम लोग बैलेट की फिर से मांग यहाँ पर कर रहे हैं ताकि एक भारतीय नागरिक का जो मूलभूत अधिकार है उसका हनन ना हो। तो ये सरकार उस चीज को नहीं मान रही, चुनाव आयोग भी इस चीज के लिए मतलब अनदेखी कर रहा है, तो ये हमारी पुरजोर मांग है, एक भारतीय के तौर पर हम इस मुद्दे को हमने उठाया है और संविधान अगर है तो देश बचेगा, अगर संविधान ही नहीं बचेगा तो ये देश का भी कुछ प्रॉपर तरीके से आगे में काम नहीं कर पाएगा और तानाशाह का यहाँ पर माहौल पैदा जैसा हो रहा है इस तरीके से ये हमको दिख रहा है। फिलहाल दीक्षा भूमि पर 14 अप्रैल का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस तरह का माहौल है जहाँ पर हजारों लोग इस दिन आते हैं और अभी सवेरे से ही आना शुरू है और इस तरह से जो है लोग अपना 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे। कैमरा पर्सन मोहड़ के साथ मैं प्रकाश शुंकला, NBCN न्यूज नागपुर।